अस्सलाम वालेकुम नुसरत रहे, मैं टेलीगन स्लाइडिंग फॉलो। छोटी सी बात नुसरत के साथ, जो हम मैंने एक पिछली वीडियो की थी मोटरवे इंसिडेंट पे, ये उसके डिसीजन से रिलेटेड मैं इस पार्ट टू को करूंगी। इसमें कल बहुत अच्छी न्यूज आई, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि जी उनके साथ ऐसा स्लोक, उनकी सर्जरी की जाएगी कि जिस बिहार पे, जिस बात पे वो अकड़ते हैं और जिस बात का वो फायदा उठा रहे हैं वो मुजरिम, अगर उनको वो उसकी पनिश किया जाएगा तो डेफिनेटली लोगों के लिए एक लेसन होगा। अगर हमारे मुल्क में ऐसा होने लग जाए तो सीरियसली जो ये ज्यादती के केसेस हैं, जो डे बाई डे बढ़ रहे हैं बचाए कम होने के, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मदीना की रियासत, तो सीरियसली, और हम जब बात करते हैं नया पुराना पाकिस्तान, ना हमें नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, हमें कायद का पाकिस्तान चाहिए जो इस बिहार पे हमने लिया था। क्योंकि हमारे जो अगर इंडिया पाकिस्तान के सेपरेशन की बात देखी जाए तो उसमें मेन पर्पस ही ये था, जो मेन जो पर्पस था, विजन था, वो ये था कि जी पाकिस्तान की जो इस्लामी रवायात हैं वो वहां परफॉर्म नहीं कर सकते। तो क्या हमारे इस्लामिक कंट्री में सब कुछ होना चाहिए? इमरान खान साहब ने जो बात की है बहुत अच्छी बात है, और आई विश कि ये चीज बगैर एनी फर्दर डिले, कोई अपोजिशन की तरफ से कोई क्लैश ना आए, कोई जजेस की तरफ से, कोई वुकला की तरफ से, क्योंकि ये सब की बेटियां हैं, सबकी बहनें हैं। और हम ये सोचें कि हमारे घर की किसी बच्ची के साथ ये होता तो हम क्या करते? तो बगैर सोचे समझे इस मजीद इस चीज को डिले किए बगैर उनको पनिश करना चाहिए ताकि ये चीज खत्म हो जाए। अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में ये चीजें क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुस्लिम को ये पता है कि अगर मैंने आप करने तो मैंने छूट तो जाने, बेल तो मेरी हो जाएगी, और मुझे किसने पकड़ने जब उसके अंदर कोई खौफ ही नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। या तो इंसान के अंदर खौफ होता है अल्लाह का, या खौफ होता है कानून का। जब एक इंसान के अंदर से दोनों खौफ खत्म हो जाए तो डेफिनेटली वो यही काम करता है, वो जानवर हो जाता है, उसको इंसान कहना भी इंसान की तो नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा है कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि डिसीजन दे देना और उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाना सबसे मेन वीकनेस रहती है हमारे मुल्क की। तो मेरे ख्याल से आप सब इस बात से एग्री करेंगे, आप लोग इससे इस बात को डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी हो जाना चाहिए विदाउट एनी फर्दर डिले, ना कि हम कमेटीज बिठाए, हम ऑपरेशंस फर्दर करें और हम फर्दर ये करेंगे कि अच्छा ये कमेटी डिसाइड करेगी, ये कमेटी, कोई कमेटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वन क्लिक वन डिसीजन, और उन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए ऑन स्पॉट और सरेआम मिलनी चाहिए, ताकि वाइंदा कोई भी बंदा, कोई भी बल्कि जानवर ऐसी हरकत करने से पहले सोचे कि उसके साथ क्या होगा। थैंक यू सो मच एलिगेंस लर्निंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नुसरत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फॉरम। आज की जो छोटी सी बात शेयर करना चाह रही हूँ वो बात बहुत अहम है। मैंने पिछली दफा जो इमरान खान साहब ने डिसीजन दिया जो मोटरवे इंसिडेंट पे हुआ, और उन्होंने उस पर डिसीजन दिया कि सजा के लिए, सिर्फ उसको आज जस्ट रिकॉल करवाना चाह रही हूँ। वीडियो का जो टाइटल भी होगा रिकॉल जस्टिस, और यू कैन से जस्टिस रिकॉल, कि वो डिसीजन वहीं का वहीं पेंडिंग हो गया, सब श्योर, सब खत्म हो गई बात। क्योंकि हम लोग एक इंसिडेंट को कुछ हाईलाइट करते हैं कुछ टाइम तक और बाद में हम भूल जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी जो मुबशिर इरफान साहब ने, मैंने कभी किसी वीडियो पे कोई कमेंट नहीं किया, ना अच्छा ना बुरा, बट मैं इसमें जरूर उनका अप्रिशिएट करूंगी जो उन्होंने आबिद बॉक्सर साहब का इंटरव्यू किया, और वो बहुत अच्छा इंटरव्यू था। उसमें जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि वो भी यही बात कर रहे थे कि बजाय उस फीमेल को हाईलाइट करने के उन मुजरिमों को सजा दी जाए, उन वहशी दरिंदों को सजा दी जाए, ताकि वो सबके लिए एक लेसन बन जाए। तो सिर्फ एक जस्टिस रिकॉल इस वीडियो में ये कहा जाएगा, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम अज कम उस चीज को खामोशी से कुछ ना डालें और उसको इस बात पे लाएं कि हमें उसको कुछ करना है। थैंक यू सो मच एलिगेंस लर्निंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।